देखो हरलीन की बहन। तो गाइज अभी यहाँ पे पीने लगे हैं गन्ने का जूस। तो गाइज अभी हम खाएंगे यहाँ पे आइसक्रीम। वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू जपनूर व्लॉग्स। आप कैसे हो? होप करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है, यहाँ पर मैं नहा धो के हो चुका हूँ रेडी, यहाँ पर मम्मा भी रेडी हो रही है। गुड मॉर्निंग गाइज। आज मम्मी ने जाना है हॉस्पिटल मुझे छोड़ के। आज फिर से जाना है हमने हॉस्पिटल, तो आज मैं फिर जाऊंगा लड्डू के घर, है ना। और पापा अभी है वॉशरूम में, कर रहे हैं ब्रश, है ना। आप कब तक रेडी हो जाओगे? बस चलो चलो रेडी। लिपस्टिक लगा ली, बढ़िया बात है। चलो चलो चलिए। तो गाइस कुछ कुछ बेबी ऐसे भी होते हैं जो नहा के नहीं जाते स्कूल, तो मैं तो डेली नहा के जाता हूँ स्कूल, और उससे हमें एनर्जी भी मिलती है, हम स्टडी भी अच्छे से कर पाते हैं। और बस ये तो मैंने सुना था। तो ये देखो गाइस, आज मैं चॉकलेट वाला दूध नहीं पिया, आज मैं पी रहा हूँ वाला दूध। मम्मी आपने इसमें अभी क्या क्या डाला है? मैंने इसमें मिल्क डाला है और गिलास, और 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शुगर ऐड करी है, और 4 to 5 मैंने इसके अंदर आइस क्यूब ऐड करी है, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर दूध ऐड किया है। अब इसको हम ब्लेंडर से करेंगे ब्लेंड। दूध 2 मिनट में रेडी। अब इसको ठंडा भी नहीं करना, ठंडा बर्फ डाल तो दी भाई, और फिर पापा ऊपर से भी ठंडा करते हैं, उसके बाद पीते हैं, है ना। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग गा। कैसे हो आप? एक नंबर। गुड मॉर्निंग। आज की दिन की शुरुआत हुई है हमारे पिज्जा वाले मिल्क के साथ। ये मम्मा नहीं पीती। क्यों? मम्मा को मिल्क अच्छा नहीं लगता। दिस इज वेरी बैड हैबिट। चीयर्स। घूर क्यों रहे हो आप उसको? घूर क्यों रहे हो उसको? एक तो चीयर्स कर रहा बच्चा आपके साथ। मैं कौन सा घूर रहा हूँ? ये तो बड़ा गुल्लू है। गुल्लू नहीं है, कुछ और ही है। जप्पू बाय। तो गाइस अभी दोनों रिपोर्ट्स जो हैं वो कलेक्ट कर ली गई हैं। ये है ईसीजी की रिपोर्ट, देख के डॉक्टर ही बताएंगे कि क्या है, और एक्सरे की रिपोर्ट है ये। इसमें तो सब कुछ ही नॉर्मल लिखा है, तो सब कुछ नॉर्मल ही होगा। तो अभी हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं, पापा पहुंच चुके हैं और हम भी पहुंचने वाले हैं। कितनी देर में पहुंच जाएंगे डुगो? है डुगो 5 मिनट में इधर सामने। तो गाइस अभी हम हॉस्पिटल से निकल चुके हैं वापसी। पापा को देखो कैसे राजा महाराजा के जैसे बैठे हैं। ये रही पापा की दवाइयाँ। फाइनली गाइज दोबारा से डेट मिल गई है नेक्स्ट ट्यूसडे की। अगले मंगलवार को हम पापा को करेंगे एडमिट, और वेडनेसडे को पापा का जो टेस्ट है वो होगा। गर्मी बहुत ज़्यादा, सच्ची में बड़ी हालत ख़राब है। बाहर निकलने का तो कोई हाल ही नहीं है, है ना पापा? बुरा हाल है ना। कहाँ जा रहे हो बाप? एक बार सबको कह तो दो, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ऐसे बोलो सब लोग हमारे जपनूर व्लॉग्स को। गाइस पापा की तरफ से मैं बोल रही हूँ कि सब लोग प्लीज हमारे चैनल को लाइक, हमारी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट करो हमारी वीडियोस पे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके पापा। यहाँ पे डब्बू चला रहे हैं गाड़ी। किसी को बोला था कि जप्पू को स्कूल से ले लेना, अब हम खुद ही ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। आज मुझे जप्पू सुबह बोलता मम्मा आपकी मौजें हैं। मैंने कहा क्यों? कहता वेडनेसडे है, पापा की छुट्टी, आप पूरा दिन घूमोगे और मैं स्कूल में। यार सुबह सुबह धक्के खाते हैं। किसी को हॉस्पिटल में किसी को भी ना जाना पड़े, हालत खराब हो जाती है हॉस्पिटलों में जा जाके, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तो बिल्कुल पूछो ही मत। वो भी अभी अप्रोच है तो इतने धक्के नहीं खाने पड़े, अप्रोच ना हो तो शाम। अप्रोच में भी धक्के ही खाने पड़ते हैं भाई, अप्रोच में भी धक्के ही खाने पड़ते हैं, उतने नहीं खाने पड़ते जितने विदाउट अप्रोच खाने पड़ते। लेकिन सही में बहुत बुरा हाल है। अगर भगवान बीमारी दे तो पैसा दे ऐसे इतना भर भर के, नहीं तो बीमारी भी ना दे किसी को कोई, है ना। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है भाई।
गरीब हमारे क्या बीमारी, लोग तो बेचारे इतने परेशान है क्या बताएं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जाके सच्ची में रोना आ जाता है, बिना अप्रोच वाला का कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो बेचारे सुबह से लाइनों में लगते हैं, शाम को उनकी स्लिप बनती है, जब तक डॉक्टर का नंबर आता है तब तक डॉक्टर उठ जाते हैं बेचारों। कोई कोई लोग ऐसे हैं जिनका एक एक साल से उनको नंबर दिया हुआ है ऑपरेशन वगैरह के, एक एक साल के बाद उनके नंबर आते हैं, सुन सुन के भी हैरान है। धन्य है वो लोग सच्ची में जो आते हैं यहाँ पे, इतने जाते हैं लोग। हाँ, हम जाके सीधा अंदर चले जाते हैं, बेचारे पीछे से कहीं तो गालियां भी देते होंगे कि क्या ये VIP है जिनको आप सीधा अंदर जाने देते हो। अब लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते ना, हमारे हाथ में कुछ है नहीं गाइस। हम अपनी अप्रोच लगवा सकते हैं, हर एक बंदे की अप्रोच लगवा रहे बैठेंगे तो ना हमारा नंबर आएगा ना उनका नंबर आएगा। लेकिन सच्ची में फैक्ट है, बहुत हालत खराब है गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में, तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है। तो ये देखो गाइस, मैंने ना अभी जस्ट डुगू को बोला ही था कि डुगू हम मटन के साथ रोटी खा ले, पापा अपने फ्रेंड के साथ कहीं पे जा रहे थे, और ये देखो, और पापा ने ना, पापा का साथ ही फोन आ गया, पापा बोलते मटन के साथ रोटी खानी, और मैं हंसने लगी, पापा भी हंसने लग गए, है ना डुगू। तो चलो खा ली जाए, खाओ टेस्ट करो। सही है तेरी मीट पे, लेकिन जो इनके खड़े मसाले है ना वो थोड़े तेज है। अच्छा, स्पाइसी है। अच्छा, बाकी खड़े मसाले तेज ही होते हैं, तेज होते हैं, बल्कि थोड़े ज्यादा टेस्ट वो तेज है। चलो जैसे भी है, हाँ। जैसे थोड़ा पे लेके बाहर घर जैसे, जब मैं घर पे बनाती हूँ तो आप कहते हो मुझे बाहर जैसी चाहिए, तो पापा बनाते हैं ना फिर, पापा के जैसा तो नहीं बनाता ना कोई। गाइस मैं भी फटाफट खा लेती हूँ, नहीं तो ये शुरू हो गए हैं खत्म। एक में इनकी एक रोटी की मतलब चार बाइट्स की एक रोटी होती है इनकी, फटाफट खत्म हो जानी है, मैं भी खा लूं। तो अभी आ चुके हैं जप्पू के स्कूल के पास, आधा घंटा पहले ही आ गया मैं, घर में कौन चढ़ेगा। और ये देखो हरलीन की बहन, ये हरलीन की बहन, मेरी बहन हो ही नहीं सकती, तुम्हारी है बेटे। यार मेरा मास्क घूम गया, घूम गए तो घूमते रहे, कोई चक्कर नहीं, बिना मास्क के मैम बोलने लगा वहाँ पे। ये देखो ये रश लगा था, अगर पहले आओ तो हाँ। ऐसा रश पहले ही लगना शुरू हो गया, एक बजे से डेढ़ बजे छुट्टी होती है उसकी। ये देखो जप्पू के हरलीन के एक और बैठे, ये देखो गाइस बेचारी मैम का तो गला ही बैठ जाएगी चिल्ला चिल्ला के। वैसे देखो इतना मैडम आवाज कैसे मार रही, गला भी दर्द नहीं हो रहा है, गला दर्द हो जाता है, गरारे करते होंगे घर में। तो ये देखो गाइस, अभी हमने जपना को ले लिया है। हाय मेरी बेटी, क्या पढ़ के आया स्कूल में? स्टडी तो अच्छी भी नहीं करके आया आज। आज तो जब वो आते ही मुझे देख के डर गया था, कहता मम्मा, मैं क्या हुआ, कहता मम्मा मेरे को डांटना मत। मैं क्यों, मेरा टेस्ट अच्छा नहीं हुआ आज, मैंने इसको परसों लर्न करवाया पूरा अच्छे से, तो गलत बात है ना गाइस, इसको कल रिवाइज नहीं इसने किया तो बिना रिवाइज किए आज, कल मैम आई नहीं थी, आज मैम आ गई, मैम ने टेस्ट ले लिया, सरप्राइज टेस्ट ले लिया, तो वो टेस्ट बहुत अच्छे से नहीं गया, और अब ये डर गया कि अब मेरे को तो मार पड़ सकती है। मम्मा से आते ही इतना छोटू सा मुँह बना लिया मेरे सामने, है ना डुकू, देखा था कैसे छोटू सा मुँह बनाया था, इसको पता था पढ़ जाएंगी। फिर मैंने इसको फर्स्ट और लास्ट वार्निंग दे के आज के लिए छोड़ दिया गाइस। तो आप सब ना इसको समझा लो प्लीज, अगर तो ये ढंग से पढ़ेगा तभी ये व्लॉग बनाएगा, तभी इंस्टा पे वीडियो बनाएगा, अगर ये अच्छे से नहीं पढ़ेगा तो मैंने इसके व्लॉग्स और वीडियोस दोनों बंद करवा देनी है। बोल दो इसको, सब सुन रहे, समझ में आ रही है, आज के बाद ऐसा टेस्ट होगा नहीं होगा ना, प्रॉमिस मी पिंकी, प्रॉमिस कर रहा है गाइस, आगे से अच्छा टेस्ट करके आएगा। मैथ्स का टेस्ट बहुत अच्छा करके आया, SST का टेस्ट अच्छा नहीं करके आया, क्योंकि रिवीजन नहीं करी, रिवीजन करी होती तो कोई टेंशन ही नहीं थी, इजीली टेस्ट कर सकता था। तो गाइस अभी आए हैं पैसिफिक मॉल, ये देखो क्या बन के आया, दोनों मेरे को भी ऐसे ले आया है, एक्चुअली डुगू के फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। कहाँ पे आ गए? तो गाइस एक्चुअली डुगू के फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम थी, फ़ोन का जो चेक था वो ढंग से प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था, तो वही फ़ोन चेक कराने के लिए, और इसको देखो इसकी मस्ती ही खत्म नहीं होती। चलो उतर, फ़ोन को हमेशा कंपनी से ही सही कराना चाहिए, चाहे वो वारंटी में हो चाहे नहीं, बाहर से कराओ तो मज़ा नहीं आता। तो गाइस अभी हम एप्पल के स्टोर से वापस आ गए हैं, उन्होंने बोला जहाँ पे नीचे बाइक पार्किंग है वहाँ पे जाओ, वहाँ पे इनका सर्विस सेंटर है। हाय, अंदर एसी था,
इतना मजा आ रहा था बाहर, धूप हो रही है, बहुत गर्मी है, मौसम अभी इतना अच्छा हो गया था बारिश वाला, लिटिल बिट बारिश भी हो रही है, बूंदाबांदी भी हो रही है, साथ साथ धूप भी आ रही है, साथ साथ बारिश भी हो रही है। कहते हैं जब धूप और बारिश साथ में होती है ना तो किसी पागल की शादी होती है, हमारे जैसे किसी पागल की शादी हो रही होगी। गाइस इनकी स्पीड पे तो मैंने कभी पहुंच ही नहीं पाना ना, ये मेरे से 1 किलोमीटर की दूरी पे चलते हैं दोनों, मेरा कोई मेल ही नहीं है इनसे, फोन सही करा लिया, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, अब हरलीन की जरूरत ही नहीं है। तो अभी इस मोटू को खिला दिए हैं राजमा चावल, पेट इसका खाना भूल गए, भूल गए। ये देखो राजमा चावल का वो क्या कहते हैं उसको, प्रूफ, ये देखो शर्ट के ऊपर इसने राजमा गिराए हैं, भूल ही गए, हमने फटाफट खा ही लिए, इसलिए राजमा चावल खा लिए, इसके साथ मैंने भी थोड़े से कड़ी चावल भी खा लिए, और अभी भी अभी भी ये कह रहा है मुझे रोल खिलाओ, इस टाइम रोल कौन बना रहा है भाई, शाम को मिलते हैं रोल। तो गाइज अभी हम बहुत थक चुके हैं, अब हम जा रहे हैं घर जाके करेंगे रेस्ट। तो गाइज अभी यहाँ पे पीने लगे हैं गन्ने का जूस, हम सोच रहे हैं गन्ने के जूस का चैलेंज किया जाए, आप लोग कमेंट में बताओ, यस आप लोग कमेंट में बताना, आप लोग कमेंट बताओ क्या हमें गन्ने का जूस का चैलेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर आप यस करोगे हम तीनों चैलेंज करेंगे, फिर हम तीनों करेंगे, और आप ये भी बताना कि कैसे करें, हम अभी ये सोच रहे हैं कैसे, वो तो हम कर लेंगे, आप ये बताओ करें कि ना करें, और करें तो आपको कौन लगता है कि कौन जीतेगा, क्योंकि मैं तो ज्यादा खा लेता हूँ, मैं मैंगो शेक भी पीता हूँ और कैसे करता हूँ करके दिखाइयो, कर रहा था वो करके दिखा, मेरा बोला है भंडारी करे नंदू की सवारी शंभूनाथ रे आज सुबह इसकी स्कूल में एक्सरसाइज हो रही थी ऐसे वाली, कह रहा पापा मैं बोले की सवारी करने लग गया वहाँ पे। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश हूँ। अच्छा बाप कहाँ से बदमाश था। तो गाइज अभी यहाँ पे लेने आए हैं एसी, डिसाइड कर रहे हैं कौन सा ले, विंडो तो नहीं लेना, हमने लेना है स्प्लिट, इसके यहाँ पे भी डांस शुरू, मतलब एक पता लग जाएगा कि कच्चा बादाम कर रहा है या चंद की कुड़ी बदलां दी पैन क्या कर रहा है, कच्चा बादाम मिक्स करियो, कच्चा बादाम देखो, कच्चा बादाम गाइस इसी ने शोर मचाया हुआ था एसी के लिए, क्या कह रहा था पापा को एसी ले दो, और परसों रात को पापा को क्या कह रहा था, चिप चिप की गर्मी का मौसम आया, एसी तो मौसम ठंडे ठंडे एसी का, तो एसी हमारे घर है तो था पहले से ही, ऊपर आए बेडरूम में क्या, आप इस बार ऐसे जब से ये था एक कलर का जवाब आ जीत चुके हैं एक कलर चाटा। तो गाइस अभी घर पे आ चुके थे और आके मैंने दाल अभी रखी थी बनने के लिए राजमा वाली, जो कि मैंने अभी व्लॉग्स में नहीं दिखाई है, मैं राजमा वाली दाल बनाने लगी हूँ, जिसके अंदर मैंने काली वाली पूरी दाल होती है, दाल का नाम मुझे नहीं पता क्या होता है, दाल मखनी वाली दाल ओके, जो मार्केट में दाल मखनी वाली दाल होती है ना वो दाल बनाने लगी हूँ मैं, उसके अंदर मैंने काली वाली पूरी वाली दाल और थोड़े से राजमा ऐड करके उसको वॉश किया, वॉश करने के बाद मैंने उसके अंदर टोमेटोज की प्यूरी बना के उसके अंदर ऐड कर दी, और फिर उसके अंदर थोड़ा सा अदरक बारीक कट करके डाल दिया, 3-4 हरी मिर्ची डाल दी बारीक कट करके, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा सरसों का ऑयल डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ा सा कलर वाला रेड पाउडर डाला है, रेड चिल्ली पाउडर जिसको वो डाली है, अब उसको मैं बॉयल करने के लिए रखूंगी, रखी थी अभी, मतलब अब फिर नीचे जाना पड़ रहा है किसी काम से, तो अब हम नीचे जा रहे हैं, दाल फिर मैं आके बनाऊंगी, और यहाँ ये पढ़ रहा था मोटू, इसका साइंस का टेस्ट है, इसको बोला घर पे रह ले हम अभी आ रहे 10 मिनट में, कहता नहीं मैं अभी जाऊंगा, तो फिर मेरे को दाल बंद करनी पड़ी। तो ठीक है गाइज अभी हम जा रहे हैं नीचे, हाय इतना अच्छा मौसम है ना आज, इतने दिनों के बाद दिल्ली में रहने वाले लोगों को मिलने वाली है राहत, आज इतने दिनों के बाद दिल्ली वाले लोगों को राहत मिलेगी आज मौसम
खाएंगे यहाँ पे आइसक्रीम। ये देखो आइसक्रीम का खजाना। लूट ले, लूट ले तुम्हारी डैडी, लूट लेते हैं। लो डुगू, मैंने ली है मैंगो मिल्क और जप्पू मेरे को वैसे कॉपी करता है, कॉपी कैट है जप्पू, कॉपी कैट है। खुले नहीं है, मैं तो लाई नहीं। पेटीएम पेटीएम करो बच्चों, आपने नहीं लेनी, आप भी ले लो फिर, पेटीएम तो कर ही रहे हो, ले रहे हो अंकल 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 जी, अब क्या आंटी थोड़ी ना। मस्ताना मौसम है, रंगीन नजारा, धड़कन क्या कहती है समझो इशारा, गाइज अभी घर पे वापस आ चुके हैं नीचे से, डुगू को कुछ डॉक्यूमेंट्स कोरियर करवाने थे तो वहीं पे गए थे, जाके आइसक्रीम भी खा ली और मैंगो शेक भी पी लिया और अभी घर पे आ चुके हैं। और नींद आ रही है इतनी ज़बरदस्त वाली, सुबह 5:30 से उठी हुई हूँ मैं, उसके बाद एक मिनट भी लेटी नहीं हूँ, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला पूरे दिन में भी। एक वीकेंड होता है जिसमें ट्यूशन ऑफ होती है बट उसमें मैं सो नहीं पाती हूँ, डुगू का वीकेंड होता है हम घूमते ही रहते कहीं ना कहीं, रेस्ट नहीं है बिल्कुल भी लाइफ में। तो अभी यहाँ पे राइस बनने के लिए रख दी है मैंने और यहाँ पे ऑयल गर्म कर दी हूँ मैं तड़का लगाने के लिए। यहाँ पे जो है दाल भी बॉयल हो चुकी है, आप देख सकते हो दाल बॉयल हो चुकी है, तड़का डाल के इसको मिक्स कर दूँगी अच्छे से। और तड़के के लिए मैंने थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा प्याज जो है वो कट कर लिया है। तो चलो भाई फटाफट से लगा लेते हैं तड़का। तो गाइस अभी दाल बन के हो चुकी है रेडी और राइस भी बन के हो चुके हैं रेडी, हम खाने लगे हैं यम्मी यम्मी दाल चावल। तो गाइस अभी डिनर रेडी है और हम करने लगे हैं दाल चावल खाने लगे हैं, साथ में प्याज और डुगू के लिए सुबह का एक गिलास दूध पड़ा हुआ, ये डुगू पी लेंगे, हमने तो पीना नहीं। तो गाइज मैंने आज कुकर ही रख लिया, आज क्या वैसे भी मैं कुकर ही रख लेती हूँ यहाँ पे, हम दो ही तो बंदे, किसने देखना हमको आके, तो न थकावट इतनी हो रही है और बस फटाफट से, मेरा तो रोटी खाने का भी दिल नहीं हो रहा, बस फटाफट से बिस्तरा मिल जाए सोने को। तो चलो ठीक है गाइज, हमारी आज की वीडियो, आज का व्लॉग बस यहीं तक ही था। क्या मम्मी, चलो हमारी आज की वीडियो आज के व्लॉग बस यहीं तक ही था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर दबाना, और जिसे दाल चावल खाने हो वो हमारे घर आ जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। आई विल सी नेक्स्ट व्लॉग इंस्टाग्राम पर, भी फॉलो कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी नेक्स्ट व्लॉग, टाटा बाय बाय।